Hello friends. Okay, fine. Hello friends, welcome back to our channel. और अभी हम रिएक्ट करने वाले हैं 7FATES चाको के सारे मेंबर्स के इंटरव्यूज पे. तो जिमिन, सुगा, या तो हमको जानना भी था स्टोरी क्या है, तो हमने देखा है कि इनके इंटरव्यूज है पर्टिकुलर, तो फिर हमने सोचा चलो फर्स्ट हम लोग इसी पे रिएक्ट कर देते हैं. आगे गानों वालों पे लेकिन चेंज हम लोगों ने कुछ इस तरह किया है क्योंकि हम लोगों ने जब वीडियोस देखे यूट्यूब के ऊपर तो वो थे सातों मेंबर्स के अलग अलग इंटरव्यू, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सबको एक साथ देखेंगे एक ही वीडियो वन बाय वन, एक साथ एक ही वीडियो में, तो आपको अलग अलग वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, एक साथ ही हम सारे वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं. और गाइस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अभी तक जाके अगर क्यूएनए पोस्ट में जाके आपने कमेंट ड्रॉप नहीं किया, सॉरी कमेंट नहीं, आपने क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया, सो जाके अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दो. तो करते हैं वीडियो स्टार्ट. सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तब तक. तो क्या हुआ? नथिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद आरएम बिकॉज ही इज द लीडर. Tiger Hunters. 잃어버려서 복수하기 위해 모인 범사냥꾼들 한 명 한 명의 이야기에도 주목했습니다. Oh my God, it's a story about revenge. Dogan? Dogan इसका कैरेक्टर का नाम है. Okay. ये लास्ट था. 그런 인물이죠. 처음에는 이제 차코 팀에 들어가는 걸 이제 거부를 해요. 나 혼자서도 솔플이 가능한데 왜 파트를 해야 되냐. 그렇지만 어찌된 일인지 잘 부딪히고 만나게 되면 아, 나 파트가 될 운명인가라고 한 힘이 되게 되는. 네, 그래야만 할 수 없는 그런 보관입니다. 오케이, 또 ये अलग-अलग हैं और ये एक टीम में आते हैं. 7 फैट्स यानी इन सबके अलग-अलग फैट्स हैं. 22 एपिसोड का नेम गेस्ट है. ओ 15 को रिलीज हो रहा है. ओके की सो नेक्स्ट इसने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया है किस तरह से इसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है. अभी नाउ हम चेक करते हैं जिन या How does the story of 7FATES Chakho begin? 네, 이야기는 막장급 치안을 자랑하는 부패한 신시라는 도시에 범인이라는 이름의 괴물들이 인간을 사냥하기 위해 넘어오면서 시작됩니다. 그리고 7명의 범사냥꾼들이 차코라는 이름으로 모입니다. Tell us about Juan in 7FATES. Juan, इसका नाम, इसके कैरेक्टर का नाम Juan. और नहीं. 범 사냥에 뛰어든 인물입니다. 장난꾸러기 같지만 범을 사냥할 때는 엄청 멋있게 활을 잘 쏘는 친구고요. 역시 우리나라 아니잖아요. 발세는 Juan 어떤 멋진 모습으로 나올지 지켜봅시다. 오케이. 와우. 7FATES. इसका नाम था इसका Juan. ओके सो इसका कैरेक्टर थोड़ा सा मिस्चीवियस है, फनी है. नेक्स्ट टेल मी. नेक्स्ट हम देखते हैं सुगा. ओके लेट्स वॉच सुगा. टेल अस अबाउट द बियोम इन 7FATES. 너무 신령스러운 동물과 사악한 잡기를 물리치는 영웅, 은혜를 갚을 줄 아는 동물, 익살스러운 동물 같은 다채로운 모습으로 한국 전통 서랍 속에 등장해왔었는데요. 차코는 부패하고 혼란한 근리의 도시를 배경으로 다양한 범의 활약을 드러냅니다. 세인은 하마터면 범에게 잡아먹을 뻔했다가 He has a tragic story. Okay. Traumatized by what happened. Okay. इसको तो बहुत मतलब आते ऐसा लग रहा है हमको पहला व्यू मेरा ही होगा इस वाले में, तो मतलब क्यों उस टाइम में वैसा वैसा बोल रहा हूँ कि और मुझे पहला लगता है कि सबसे पहले मुझे देखना चाहिए था. अब बहुत काफी टाइम बाद देख रहा हूँ इस इंटरव्यू को. Yeah. Next. Tell me. J-hope. Okay, J-hope. तो सभी के कैरेक्टर बहुत ही अलग अलग नेचर वाले हैं और ये लोग साथ प्रूफ कैसे दोस्त बनेंगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ कैन यू ब्लेम अ फुल ऑफ सेट 매 순간 어떤 선택을 할지 또 그 선택이 어떤 사건으로 이어질지 계속 지켜봐 주세요. 예. 호수. 호수는 몸에게 납치를 당했던 인물입니다. kidnapped by if you want to find your friend golden eyes okay he has golden eyes yes. okay you will have to read the story coming out soon तो मुझे मतलब इतनी ज्यादा excited हो रही हूं ना मैं देखने के लिए oh god now let's watch Jimin Jimin oh wow yaar oh my god along with the old Korean folk 불가사리 같은 옛 설화에서 차용한 흥미로운 설정도 있습니다. 신화와 설화를 새로운 상상력으로 다시 그려낸 스토리 기대 많이 해 주시면 감사하겠습니다. Yeah we are looking forward to 하루 네, 차코의 하루라는 친구를 보게 될 텐데요. He is not human? Not human? Oh really? He was a rock that guarded the gate to the world of the human. Oh god. And then become oh बाद में oh, okay. It's a long rock time. इतनी beautiful होती है. This character is a from master. Okay. Oh BTS. सबकी कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग है ना सीरियसली आई विश ये कोई मूवी होती मेरे मुंह की बात छीन ली आपने बताया ओके नाउ लेट्स वी वो ये इंडिया में रिलीज होती तो मजा आया था वी ओके ओह वाओ His handcaster always 네, 7개의 운명에 관한 첫 번째 이야기인 세븐페이츠 차코는 한국의 설화 속에 등장하는 범과 그리고 조선시대 범잡는 부대였던 차코 갑사를 모티브로 한 어반 판타지입니다. 주안은 범과 사랑에 빠지고만 인물입니다. 편견에서 꽤 자유로운 편이며 자애로운 성격을 가지고 있기 때문에 종족을 뛰어넘는 사랑을 하게 된 거죠. 그러나 잡아먹는 자와 먹히는 자의 사랑이 평탄할 수만은 없는데요. 이 금지된 사랑이 어떤 결말을 맞이했을지 궁금하신 분들은 차코를 통해 확인해 주세요. Wow, yeah. There is a love story in this series. Wow. Last but not the least, हमारा Jungkook. Golden mechanic. What should we look out for? 네, 이들이 신시 도시를 질주하며 펼치는 엄청난 활극, 땀을 흘리는 인간과 범의 전투신 같은 스펙타클한 장면들 역시 기대하고 있습니다. 지하. half human and half tiger भाई ये तो बहुत तगड़ा होने वाला है सीरियसली so he is shocked अच्छा इसे भी नहीं पता था trying to capture them okay बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं Okay, now it's finished. हमने सातों के इंटरव्यू देख लिए सबके कैरेक्टर ये क्या है दीदी 9 AM KST 7 PM EST आई थिंक ये अलग अलग जगह का टाइम है या फिर ये इस चैनल पे इस वक्त आएगा या उस KST PST CST GST ये समझ नहीं आएगा एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट इट आल्सो बट हमारे सब्सक्राइबर हमें जरूर बता देंगे हमें तो कमेंट सेक्शन में लिंक सेंड कर दो गाइस या लिंक फॉर व्हाट चेक करने के लिए ओके स्टोरीज के लिए यस हां ओके तो प्लीज गाइस हमें आप बताइएगा अगर आप में से किसी ने देख लिया है या पढ़ लिया है जो भी हो ना तो हमें अपने पास से लिंक शेयर कीजिएगा हमें बताइएगा कि हम कहां इसे पढ़ सकते हैं कहां मिलेगी हमें ये और इसके अलावा हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आई एम श्योर आप लोगों को कैसा लगा आप भी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सीरियसली बता रहा हूं मैंने सबके कैरेक्टर्स इतने अलग-अलग है ना एकदम और ये सातों एक साथ जुड़ के कैसे अपना बॉन्ड बनाते हैं क्या स्टोरी में है आगे सस्पेंस क्या है ये टाइगर्स और जो बियर्स को लेके स्टोरी है, हंटर्स और ह्यूमन और सभी इन्वॉल्व है इसमें, और बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी लग रही है। आई विश जिमिन उसके अंदर ह्यूमन नहीं है, मतलब बाद में वो एक रॉक है जो कि उसको मतलब बियोम्स के गेट को कवर करके रखता है, गार्ड करता है, एंड हाँ। वो बाद में ह्यूमन बनता है और मतलब कोई सबका अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग स्टोरी है, किसी की ट्रेजिक स्टोरी है, किसी का जुंगकुक हाफ ह्यूमन एंड हाफ टाइगर, या हाफ ह्यूमन एंड हाफ टाइगर, उसको खुद को भी पता नहीं है, उसको सडनली पता चलता है और जब पता चलता है तो वो अपने आपको बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन पा रहा है। वी की इसमें लव स्टोरी, आई डोंट नो किससे, मतलब कौन सा कैरेक्टर जिससे उसको प्यार होगा या क्या है या कोई और है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। और सीरियसली बताना लाइक इसको डिफरेंट इसको मतलब इतना देख के अपन पूरा स्टोरी तो जज नहीं कर सकते हैं, वी कैन't even imagine what is the story about, but मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो भी है बहुत ही फैंटेसी है शायद, आई थिंक, है ना। और ये शायद कोरियन की डायनेस्टी का भी बताया इन्होंने, जोसियन डायनेस्टी का है, मे बी, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट, प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन, राइट। Yes, तो आप हमें बता दीजिए गाइस, क्योंकि हमें इस बारे में भी कुछ भी नहीं पता। वेबटून्स हम लोग बहुत मैंने कभी रेयरली चेक किया होगा, बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है वेबटून्स का, मैं कभी नहीं चेक करती वेबटून्स। वेबटून का मैं तो सारी मैं तो नाम मैंने सीरीज देखे हैं मुझे तो आपने तो बताया, मुझे तो बीटीएस के थ्रू पता चला कि इस तरह का भी कुछ होता है, मैंने लाइक सीरियसली बताऊं मैंने नहीं, कभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ये सब देखने का। गाइस हमें आप बताइएगा अगर आपको कुछ भी पता है इस बारे में, एनी इन्फॉर्मेशन, एनी लिटिल इन्फॉर्मेशन वुड वर्क, आप प्लीज बताइए हमें बहुत अच्छा लगेगा। यस, और मैं स्पेशली जाके देखूंगा, मे बी हमें कुछ नया जानने को मिले। और हमें ये भी बताइएगा हम कहाँ इसे पढ़ सकते हैं, ये कहाँ पे अवेलेबल है, प्लीज हमें लिंक शेयर कीजिएगा। और एक बात भी करवाते हैं ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइक मैंने हमेशा उस बीटीएस को उसी लेवल पे देखा ना कि सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, लेकिन इस तरह का तो हाँ मैंने इस तरह का ना मैंने कभी सोचा था। और जब मैंने देखा ना तो यार मैं सोच रहा हूँ वाओ, और जब वो एक साथ वो अलग अलग होते हैं और इस तरह से एकदम साथ में टीम बन के आते हैं ना, दैट वाज लाइक वाओ, ऐसा लगा कोई खतरनाक मूवी है। वो मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, कोई अगर मूवी आती ना, या आई वाज फर्स्ट थिंकिंग कि कोई मूवी है, और अगर ये सीरियसली बता रहा हूँ अगर कोई मूवी आती ना तो सारे रिकॉर्ड टूटने वाला, तो पूरी दुनिया में जितने भी मूवी के जो हाईएस्ट रिकॉर्ड्स होंगे ना वो सारे टूट जाते, क्योंकि उनका फैंडम इतना बड़ा है साथ में। सीरियसली अब तक तो मतलब बीटीएस को रेनबो देखा है, ठीक है, रेनबो के हिसाब से मैं तो रेनबो बुलाता ही हूँ, मैं क्या और भी लोग बुलाते होंगे, ऑफ कोर्स या वी आर OT7, यस वी आर OT7। उसके बाद में फिर ये सिंगिंग डांसिंग, चलो सब लोग देखते हैं बीटीएस को, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा इतना पसंद करते हैं, बट हाँ, ये सब देखने के लिए उनके सॉन्ग्स में भी थोड़ी-थोड़ी स्टोरी होती है, तब हमें मतलब उनको देखते हैं, वो सब पार्ट होता है ना, हाँ बट वो सब पार्ट होता है, पूरा कैरेक्टर निभाना, इसमें कैरेक्टर्स हैं, अगर ये इस तरह से मूवी आती है तो वाओ वाओ, मतलब ब्रेक ऑफ हो जाएंगे। वैसे भी सारे ब्रेक्स इनके रिकॉर्ड सारे टूटते ही हमेशा, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर होता ना तो मानता हूँ सारे रिकॉर्ड टूटने के लिए होते, लेकिन इनका रिकॉर्ड इतना जल्दी से कोई नहीं तोड़ पाता, ये खुद ही तोड़ लेते फिर नेक्स्ट वाले में जब इनका डिमांड आने लग जाती ना कि नहीं तुम और करो तो फिर खुद ही तोड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई एम श्योर आप लोगों ने देख लिया है या नहीं भी देखा है तो प्लीज हमें बताइए। जिस जिस सब्सक्राइबर्स ने देख लिया है तो यार प्लीज हमें जाके कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक सेंड कर दो, हम लोग भी जाके चेक कर लेंगे। 15 को रिलीज हुआ है ना, 16 हम एक वीक लेट है पूरा। ओके गाइस, सॉरी फॉर दैट, और हम लोग अब लेट नहीं होंगे, हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, और आप भी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, हमें इन्फॉर्म करते रहिए, हमें अपडेट करते रहिए अबाउट BTS, अबाउट एनी K-pop आर्मी, एनी K-pop आइडल, सॉरी K-pop आर्मी, यस K-pop आर्मी नहीं, BTS आर्मी, या सॉरी फॉर दैट। ओके गाइस, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कनेक्टेड रहिए, पापा लियो।